बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान जारी है। राजनांदगांव की हाई प्रोफाइल सीट पर भी आज मतदान है, जिस पर सबकी नजर बनेगी। महासमुंद में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी है, कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू से कड़ी टक्कर है उनकी। कांकेर से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग मैदान में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से बीरेश ठाकुर से उनका सीधा मुकाबला है। आज बता दें आपको, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 41 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। राजनांदगांव में 15 प्रत्याशी हैं मैदान पर, वहीं महासमुंद में 17 प्रत्याशी हैं और कांकेर में 9 प्रत्याशी हैं। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज मतदान होने हैं। राजनांदगांव पर भी आज मतदान होगा। राजनांदगांव की जो सीट है, जो सबकी नजर है, वो भूपेश बघेल और संतोष पांडे पर है, जो आमने सामने हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टेट हेड अनिल पुसतकर सर जुड़ गए हैं। सर, तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, कैसा चल रहा है वहां पर, लोगों का उत्साह दूसरे चरण में हमें कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में आज जो है दूसरे चरण का मतदान है और 3 लोकसभा सीट जो है यहाँ पर आज 3 लोकसभा सीटों में मतदान होना है। और मतदान जो सुबह से ही शुरू हो चुका है, 7 बजे से है और लोग निकल कर आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पिछली बार जरूर 2% का जो है मतदान में गिरावट देखी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि भीड़ ज्यादा दिख रही है और उत्साह है लोगों में और मतदान जमकर होगा। पिछली बार पहले चरण की जो सीट थी वो बस्तर, वो बहुत सुदूर नक्सल क्षेत्र था, तो वहाँ थोड़ा सा गिरावट आई जरूर, लेकिन वो चिंता का विषय जरूर रहा। लेकिन इस बार ऐसा लगता है पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन ने लोगों को बाहर निकालने के लिए अपील की है, लोगों मतदाताओं को जो है लुभाने के लिए जो है पार्टी के प्रत्याशियों ने और पार्टी के जो पोलिंग एजेंट कवर रखते हैं उन्होंने भी बहुत कोशिश की है और ऐसा लगता है मतदान शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे से होगा। शालिनी सर, पिछली बार नक्सलवाद एक चिंता का विषय हमारे सुरक्षा बलों के लिए नहीं बना, क्या उम्मीद है इस दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद एक चिंता का विषय नहीं बनेगा? देखो शालिनी, इस बार जो दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, ये 3 सीटों पर हो रहा है और तीनों ही सीटें आंशिक रूप से, या आप कह सकते पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से जो है वो नक्सल प्रभावित है। राजनांदगांव के 4 जिलों में जो है सुबह 7 बजे से 4 विधानसभा, राजनांदगांव लोकसभा सीट की 4 विधानसभाओं में सुबह 7 से 3 बजे तक ही मतदान होगा। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंबागढ़, चौकी, मानपुर, मोहला, डोंगरगांव, और इसी तरह कांकेर जो लोकसभा सीट है उसमें 8 विधानसभा आती है, उसमें 4 नारायणपुर, कोंडागांव और इन 4 सीटों पर जो है, 4 विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। और महासमुंद की जो है, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट आती है, उसमें सिर्फ मात्र एक वृंदावनगढ़ जो है उसका सिर्फ 9 बूथ जो है वो नक्सल प्रभावित हैं, तो वहां पर भी सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा। बाकी जो है तीनों सीटों के जो बाकी पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो इस बार ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो है पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, सोकमा, कोंटा, बीजापुर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और वहां पर कांकेर के पास ही जो है एक एंटी नक्सल मूवमेंट भी हुआ था, तो लेकिन उसका कोई रिएक्शन देखने नहीं मिला था और बहुत शांति से और बहुत आसानी से जो है मतदान निपट गया था। तो प्रशासन की जो है चुस्ती इस बार भी देखने को मिल रही है, पूरी तैयारी की गई है, तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं दिखती है, क्योंकि पूर्ण रूपे ये जो है तीनों सीटें जो है प्रभावित भी नहीं है। बाकी जो है मतदान के लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था है, 2 लाख से ज्यादा जो है पुलिस वालों की व्यवस्था की गई है, तो इसलिए कोई दिखती नहीं है। जी शालिनी सर, राजनांदगांव एक हाई प्रोफाइल सीट है, जिससे कि कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उनके सामने संतोष पांडे हैं। सर, प्रकाश डालिए, क्या लगता है भूपेश बघेल के लिए जीत की उम्मीद है?
हाँ देखिए, ये 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 महत्वपूर्ण सीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से ये जो राजनांदगांव सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। और राजनांदगांव लोकसभा सीट से देखिए भाजपा ने प्रत्याशी नहीं बदला है, भाजपा ने संतोष पांडे को ही उतारा है, जो पिछली बार भोलाराम साहू से लगभग 1 लाख वोटों से जीते थे, 1,11,000 कुछ वोटों से जीते थे। तो भाजपा ने 11 लोकसभा सीटों में से 9 जगह प्रत्याशी बदले हैं, सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को रिपीट किया, उसमें से एक ये राजनांदगांव है और दूसरा बगल से लगी हुई जो है दुर्ग सीट है, वहां पर विजय बघेल को उन्होंने रिपीट किया। बाकी उन्होंने तो जीते हुए जो है प्रत्याशी सांसद जो है उनके जो जो वर्तमान जो उनके सांसद थे जो उनको भी उनके भी टिकट काटे, जैसे महासमुंद से उन्होंने चुन्नीलाल साहू का टिकट काट कर वहां पर रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया है भाजपा ने, और उसी तरह कांकेर में भी जो है जो मोहन मंडावी जो सांसद थे, हालांकि बहुत कम अंतर से जीते थे 7,000 से, उनका टिकट काट कर भोजराज को टिकट दिया है। राजनांदगांव में जो है उन्होंने संतोष पांडे को रिपीट किया है, लेकिन वहां भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से जो है मामला दिलचस्प हो गया है, और भूपेश बघेल ने जमकर मेहनत भी की है। देखिए भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे और विधानसभा चुनाव में वो उनका जो है संगठन पर भी जबरदस्त प्रभाव था और बाकी पूरी सरकार को जिताकर लाने की जिम्मेदारी भी थी, तो वो अपनी विधानसभा पाटन को छोड़कर बाकी सारे प्रदेश में घूमते रहे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि राजनांदगांव सीट जो है, इससे पहले 2019 से पहले 2014 में वहां से रमन सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे अभिषेक सिंह चुनाव जीते थे, उसके पहले रमन सिंह चुनाव लड़ते थे। तो ये अभिषेक राजनांदगांव जो सीट है वो कहा जा सकता है कि भाजपा का गढ़ है, और उसको भेजने के लिए दुर्ग जिले से जो है भूपेश बघेल राजनांदगांव गए हैं। राजनांदगांव में जाकर उन्होंने मामले को दिलचस्प बना दिया है, बहुत मेहनत की भूपेश बघेल ने, संगठन पर उनका जबरदस्त प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं ये सीट हाई प्रोफाइल तो हो ही गई है और ये कांटे कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। शालिनी, अच्छा सर, हम लोग राजनांदगांव को कांटे की टक्कर मांग लें। जी जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये हम आपको बता रहे थे, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां की दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 7 बजे तक 6 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। अगर 3 सीटों की बात करें तो कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में आज छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का चुनाव होना है। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव से कांग्रेस से भूपेश बघेल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वहीं उनका सामने संतोष पांडे हैं। कहा जा रहा है ये कांटे की टक्कर है, जैसा कि हमारे स्टेट हेड ने बताया।